असम के ग्वालपाड़ा में बिना लाइसेंस के चल रही फार्मेसियों और डॉक्टर के चैम्बर्स को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। ग्वालपाड़ा के दुधनोई में जिला प्रशासन के अधिकारियों कृति सासरा और शांताकार की क्षेत्र ने दुधनोई में सरकारी अस्पताल के परिसर में चल रही राभा मेडिकल हॉल और राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप नीरू कॉम्प्लेक्स और लाइफ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर में अभियान चलाया और बिना लाइसेंस के चलाई जा रही लेबोरेटरी और डॉक्टर के चैम्बर्स को बंद कर दिया। इन फार्मेसियों में बिना लाइसेंस के ही डॉक्टर चैम्बर और अन्य गतिविधियां चलाई जा रही थी। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द फार्मेसीज में फार्मेसिस्ट खुद प्रेजेंट वहाँ पर नहीं था और कोई भी उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, लेबर का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, ट्रेड एक्ट के अंडर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। और दो डॉक्टर थे जो अपना क्लिनिक बाहर चला रहे थे पर उनका क्लिनिक भी रजिस्टर्ड नहीं था, तो उन सबको हमने सील किया वहाँ पर। तो टोटल चार नंबर फार्मेसीज और दो क्लिनिक्स हमने सील किए।